हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो इस टाइम वो आपको उन्होंने ब्लॉक डाल रखा है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट में वो कैसा फील कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में वो कैसा फील कर रहे हैं। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर, सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। तो गाइस, साथ में मिलेगी एक प्यारी सी एडवाइस जो देगी आपके दिल को तसल्ली और आगे बढ़ने के लिए एक सुझाव। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। पॉजिटिव रहिए, रीडिंग देखिए। जय माता दी। फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स। Knight of Cups, Strength, Four of Swords. King of Swords. Ace of Swords. The Hangman, Four of Cups, Temperance. Three of Pentacles. गाइज, बॉटम देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। द चैरियट है ना कमाल का। चलिए बॉटम यहां सेट कर देते हैं। तो गाइज, अगर यहां साइन की बात करें तो यहां सभी साइन है। एयर साइन है, फायर साइन है और वाटर साइन है। सबसे कम जो है अर्थ साइन है। कुछ नंबर बताने जा रही हूँ, हो सकता है इस नंबर को, ये नंबर आपके रिश्ते के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता हो आपकी लाइफ में। नंबर वन इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर थ्री इम्पोर्टेंट है, नंबर फोर इम्पोर्टेंट है, नंबर एट इम्पोर्टेंट, सेवन इम्पोर्टेंट है, नंबर एट इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है और नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट में नंबर 4 है जो रिपीट हुआ हुआ है, नंबर 13 है, 14 है जो तीन बार रिपीट हुआ है, यानी कि दो बार रिपीट हुआ है, यानी कि आपका 24 भी इम्पोर्टेंट में आ गया और नंबर 12 है वो रिपीट हुआ हुआ है। हो सकता है ये जो नंबर है आपके रिश्ते में काफ़ी अहमियत रखते हो, इस डेट को आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, या आप लोगों का बर्थडे हो, या फर्स्ट टाइम आप कभी मिले हो। तो
तो चलते हैं रीडिंग की तरफ, जिसका टॉपिक है कि नो कॉन्टेक्ट में वो कैसा फील कर रहे हैं। गाइज, अगर रिश्ते की बात करूं तो इस टाइम में रिश्ते में टेंशन और तनाव ही है, उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी सैड एनर्जी है। प्यार मोहब्बत तो है लेकिन सैड एनर्जी में है, काफ़ी दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं आपके भी और उनके भी हैं। पास्ट में जो थर्ड पार्टी रही है, मैक्सिमम लोगों की फैमिली शो हुई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये पर्सन आपके बिना कैसा नो कॉन्टेक्ट में फील कर रहे हैं। तो गाइस, थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी जो है उनकी फैमिली है, तो रिश्ते की अगर बात करिए तो उनकी जो फैमिली है ना गाइस, वो अपनी फैमिली को लेके काफ़ी पजस्सिव है। तो उनकी फैमिली जो ऐसी है कि उनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ मेल की आई है, वो नहीं चाहता था कि आपके साथ इस पर्सन का कनेक्शन जुड़े। रिश्ते में काफ़ी ड्रामे हुए हैं, काही कहा सुनी हुई है, काही मैनिपुलेशन चली है रिश्ते का, तभी ब्रेकअप हो गया। और ये ब्रेकअप होने के बाद ये पर्सन जो है इस अवस्था में है। ये पर्सन ने उस टाइम आपके पर्सन ने हाथ पांव रिश्ते के लिए नहीं मारे, यानी कि एफर्ट नहीं लगाए। ये पर्सन थोड़े इमेच्योर पर्सनैलिटी के कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि ये हर चीज़ से थोड़े एक होते ना आगे ले जाते हुए डरते हैं, तो इसलिए इन्होंने भगवान पे भरोसा आज भी रखा है और पहले भी। अगर अब कभी वो आपके सामने आते हैं तो आप कभी कभी उनके बारे में ऐसा भी सोचते हो कि ये इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे से अलग होके, इसका दिल दिमाग पत्थर है, मुझे लेके कभी सीरियस नहीं था, वो है ना किंग ऑफ सोर्ट्स का नाम, कि ये इंसान ऊपर से एकदम पत्थर होते हैं लेकिन ये अंदर से जो होते हैं काफ़ी आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें मिला है फोर ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। फोर ऑफ सोर्ट्स बताता है कि ये फैमिली के लिए भी अपने पजस्सिव है और आपके लिए भी। जब अकेले होते हैं तो आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं, लेकिन उनको आसपास निकल नहीं सकते कांटे हैं, यानी कि तलवारों ने पकड़ रखा है, फैमिली ने पकड़ रखा है, और आपको बहुत मिस करते हैं और ईश्वर के आगे जाके प्रे करते हैं कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए जो चीज़ें सही हो जाए। अदरवाइज ये पर्सन जो है भरोसा भगवान पे ही रख के बैठे हुए हैं, इनके नए एफर्ट लगाने की क्षमता अभी भी नहीं दिखाई, लेकिन ये साथ में मिला है हमें, भले ही ये आपको इग्नोर करते हैं, आपके रिश्ते में आपको ध्यान नहीं देते, साथ में मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड जो ये बताता है कि पावर लाने की कोशिश भी कर रहे हैं अपने अंदर। डिवाइन इनको पावर भी देगा, क्योंकि ये जैसे जैसे आपसे अलग है काफ़ी दिनों से, तो धीरे धीरे इरे मैनिफेस्ट करके इनके अंदर स्पिरिचुअल पावर आनी शुरू हो गई है, और ये समझ गए हैं कि अगर कहीं दिल लगाया है, अगर कहीं रिश्ता बनाया है, तो उसके अंदर जो संभालने की ताकत जो है ना, जैसे यहाँ दिखाया गया ना कि शेर के मुंह में रोटी, वो उससे कम नहीं है। शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है अगर इस रिश्ते को निभाना है। इसी चीज़ को सोचते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको जो है जवाब मिलता नहीं है। ये एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है कि ये पर्सन आपके साथ, इन पर्सन का रिश्ता, ईश्वर आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग चाहता है, और वो होगी भी, लेकिन एक बातचीत करके उसी दौरान। गाइस, जितना ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान ने सुन ली है। ये भले ही शांत बैठे हैं,
लेकिन इनकी शांति का इनको फल मिलना है, क्योंकि ये पर्सन जो है अगर इनको कोई और ऑफर देता है, कोई इनकी फैमिली वाले और रिश्ता दिखाते हैं या इनको ही कोई और ऑफर देता है तो ये एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए क्या देते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ़ करो, मैं अपने हालातों से खुश हूँ, मुझे ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं है। शायद इन्हीं चीज़ों को देखते ये पर्सन जो है यहाँ मिला है हमें चैरियट का कार्ड कि आने वाले टाइम पे ये आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे और यहाँ आपके रिश्ते की बिगिनिंग होगी। सबसे पहले ये चाहेंगे कि किसी ना किसी ऐसे इंसान से, कोई इनका गुरु हो, कोई फ्रेंड हो या कोई इनका शुभचिंतक हो, उससे एडवाइस लेके आपके की तरफ बढ़ेंगे और आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन फैमिली वाले इन की तरफ से इनको खास सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो फैमिली वालों की तरफ से इनको खास सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, पहले जैसी शक्ति नहीं होगी, पहले जैसी शक्ति नहीं होगी, लेकिन फैमिली की तरफ से इनको खास सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये है बॉटम में कि ये आने वाले टाइम पे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक्शन लेते हुए। ये चैरियट का कार्ड है, ये बताता है कि ये पर्सन जब आएंगे काफ़ी बोल्ड होके आएंगे। एक कहती हूँ ना मैं कि स्ट्रेंथ आ गई है, धीरे धीरे डिवाइन के साथ समझ गए हैं इन चीज़ों को और अच्छे बुरे का सारा अपने रिश्ते की तरफ गौर करते हुए एक दिल दलेर इंसान आपकी तरफ आएगा। कितना टाइम लगेगा देखते हैं। गाइज अगर टाइम की बात करें एट वीक एट मंथ या सिक्स मंथ कुछ लोगों को, अगर मैं आपकी बात करूं कि नो कॉन्टेक्ट में डाल रखा है, आप इसी तरह इंतज़ार कर रहे हो। लवर का कनेक्शन आया है कि सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ भी कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं आया इन कार्ड्स में। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, एंजल की ब्लेसिंग है, भले ही ये उस टाइम नाराज़ हो, आप लोग नाराज़ होकर एक दूसरे से लग गो, लेकिन आपके बगैर काफ़ी अकेले और अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं जैसे लाइफ से मन हटता जा रहा है और सोलमेट का कनेक्शन है। जितना आप प्यार करते हो शायद उसी का रिजल्ट है कि ये पर्सन लौटता हुआ आ रहा है। डिवाइन कह रहा है कि आपके रिश्ते को मेरी ब्लेसिंग है और ये पर्सन आपके पास आके ही रहेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। गाइज आपके लिए निकला है ये कार्ड। डिवाइन कह रहे हैं कि रिश्ते में पास्ट में थर्ड पार्टी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकता है, ट्रस्ट इश्यू भी होता है। जब ये पर्सन आए आपने पॉजिटिव और प्रैक्टिकल होके चीज़ों को लिए आगे बढ़ना है। इनसे कुछ नहीं छुपाना और इनसे अच्छे से बातचीत करके, देखिए कितने सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, यानी कि मैनिपुलेशन, मैंने कहा था रिश्तों में रही है, मैनिपुलेशन वाला कोई काम नहीं होना चाहिए। अच्छे से बात करके ताकि कोई ट्रस्ट इशू ना रहे, तब आपने रिश्ते में आगे बढ़ना है। और अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट निकाल दीजिए, ओवर थिंकिंग करनी बंद कीजिए और पॉजिटिव वे और प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव और प्रैक्टिकल होके ही आपने अपने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना है और पूरी तरह पुरानी बातों को अच्छे से बातचीत करके इस रिश्ते के लिए यस तभी बोलनी है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट।
साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।